फाइनली मैं टाबो पहुंच चुकी हूँ और यहाँ आके मुझे बहुत ज्यादा सुकून फील हो रहा है बिकॉज बारिश का नामो निशान नहीं है। भगवान जी प्लीज ऐसे ही रहे मौसम। यहाँ से मेरा होटल है 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। हम लोग रुके हैं एक और मड रिजॉर्ट में, मड हाउस में एक्चुअली। मैं आपको वो होटल भी दिखाऊंगी एंड हमने लास्ट टाइम भी वही बुक किया था एक्चुअली, तो इसलिए हमारा जो लास्ट टाइम का क्रेडिट नोट था वो यहाँ पे यूज हुआ है। मैं आपको वो होटल भी दिखाऊंगी एंड टाबो में बहुत सारी चीजें हैं घूमने के लिए। मॉनेस्ट्री है एंड टाबो के पास में धनकर लेक है, तो हम वो सारी चीजें कवर करेंगे आज कल में। सो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो ये हम आ चुके हैं एक और मड हाउसेस में, काफ़ी सुंदर बना हुआ है। एक तो बीचों बीच बना हुआ है सारे माउंटेन्स के, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। सो ये है हमारा मड हाउस। यहाँ पे ये कैसे बैठने की जगह थी वहाँ पे, देन ये वॉशरूम है। ये कुछ कुछ चाय कॉफ़ी के लिए। अभी मैं आई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। ऑक्यूपेंसी थोड़ा कम है यहाँ पे, तो इसलिए अलाकार्ट ही है, ऑर्डर करके ही आ रहा है ब्रेकफास्ट। कल हमने बुफे किया था बिकॉज कल ज़्यादा लोग थे, हम लोग 2 दिन यहाँ पे स्टे कर रहे थे इसीलिए। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर ब्रेकफास्ट टू कम। ये हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। अब आ चुकी हूँ टाबो मॉनेस्ट्री में। यहाँ पे एक ओल्ड मॉनेस्ट्री भी है जो कि 1000 साल पुरानी है, न्यू मॉनेस्ट्री भी है, तो वो भी एक्सप्लोर करते हैं। चलिए आइए। ये है टाबो मॉनेस्ट्री की एंट्री एंड यहाँ पे ये हिस्ट्री भी लिखी हुई है इसकी। यहाँ पे ये बहुत सारे मड के फॉर्मेशंस बने हुए जो कि बहुत ही पुराने हैं एंड काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। बिकॉज एक तो एक पूरे सराउंडेड बाय माउंटेन्स, एकदम माउंटेन के बीचों बीच बनी हुई है ये मॉनेस्ट्री, तो काफ़ी सुंदर लगती है एंड काफ़ी शांत है। बहुत पीसफुल जगह है यहाँ पे। जो अंदर टेम्पल है वहाँ पर फोटोग्राफी तो अलाउड नहीं थी, बट वो टेम्पल भी काफ़ी पीसफुल है लॉर्ड बुद्धा का। सो वहाँ बैठ के आप मेडिटेशन भी कर सकते हो एंड रेस्ट सारे जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी सही लग रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे एक मॉन्ग से भी बात की थी, तो यहाँ पे जो अंदर ग्रंथ वगैरह भी प्रिजर्व करके रखे हुए हैं जो कि 1000 साल पुराने हैं एंड उनको निकालते नहीं है, मतलब उनकी फ़ोटो कॉपी है जिनसे पूजा होती है, बट वैसे उनको सिर्फ प्रिजर्व करके रखा हुआ है
एंड काफ़ी पुरानी पुरानी पेंटिंग्स भी हैं अंदर. फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो मैंने कैप्चर नहीं किया है, बट काफ़ी सही वाइब है अंदर, काफ़ी अच्छा लगता है अंदर जाके. एंड पूजा भी होती है यहाँ पे ईयर में 2 times, अक्टूबर में और जून में. वो डेट्स वगैरह डिसाइड होती हैं पहले से ही. ये है न्यू मॉनेस्ट्री जो कि अभी रिसेंटली बनी है. इसमें भी पूजा वगैरह चालू नहीं हुई है, स्टार्ट नहीं हुई है. एंड उधर जो है वो है ओल्ड मॉनेस्ट्री जहाँ से अभी हम आए हैं. ये भी काफ़ी सुंदर बनी है, बट ओल्ड मॉनेस्ट्री तो अलग ही है. एंड ये पूरा माउंटेन्स काफ़ी सुंदर. अभी हम निकल रहे हैं टाबो से बाहर. ये जो गेट आपको दिख रहा है, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, यही वाला गेट, इससे हमने एंट्री ली थी. बहुत ही छोटा सा विलेज है ये, एंड मॉनेस्ट्री है और केव्स भी हैं. केव्स हम नहीं जा पाए बिकॉज केव्स के लिए ऊपर ट्रैकिंग करनी थी और केव्स मोस्टली बंद ही होती है, बट आप चाहो तो केव्स भी विजिट कर सकते हो. एंड हम जा रहे हैं अंदर की साइड. ये जो रास्ता है वो थोड़ा थोड़ा बांग जैसा भी लग रहा है मुझे एक्चुअली. जब आपने अगर मेरा लद्दाख वाला वीडियो देखा होगा तो लद्दाख में जो मनाली ले हाईवे पे बांग करके जगह आती है उसका रास्ता भी ऐसा ही था. से धनकर के रास्ते में आपको बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स दिखाई देंगे. और रोड वैसे कुछ कुछ जगह पर रफ पैचेस हैं, बट ओवरऑल 80-90% रोड कंडीशन अच्छी है और आपको काफ़ी मज़ा आएगा. बिकॉज ये एक होता है ना कि एक ही सेम लैंडस्केप चलता रहता है, बट यहाँ पे काफ़ी चेंजेस होते हैं तो काफ़ी सही व्यूज़ देखने को मिलते हैं ऑन द वे. काजा जाता है, काजा और पिन वैली मड विलेज वगैरह. तो अभी हम ऊपर जाएंगे एंड मॉनेस्ट्री कवर करेंगे. लेक शायद अभी ना कर पाएं बिकॉज थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है, सो लेट्स सी लेक हम कवर कर पाते हैं नहीं, बट मॉनेस्ट्री हम ज़रूर कवर करेंगे. सो ये हम धनकर के रास्ते पे हैं एंड अभी यहाँ से हमें अप्रॉक्सीमेटली 20-25 minutes लगेंगे मॉनेस्ट्री पहुँचने में. आई थिंक वो दिख भी रही है मॉनेस्ट्री आपको वहाँ पे, अगर दिख रहा हो तो वो शायद वही मॉनेस्ट्री है वाइट कलर की, तो वहीं हमें जाना है. देखोगे ये वाला रास्ता पूरा क्लाउडी हो गया है क्योंकि यहाँ पे बारिश होना शुरू हो गई है. ये टाबो दिख रहा है यहाँ से, टाबो वाला मतलब ये है रूट. एंड वहीं इसके ऑपोजिट अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इसका ऑपोजिट आपको देखेगा, ये पूरा क्लियर ब्लू स्काई है. ये काजा वाला जो है रूट वो है.
बीच में है धनकर, जिसके पीछे बारिश हो रही है एंड आगे एकदम क्लियर स्काई है। एंड जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं, नीचे आप देखो वैली रिवर वगैरह कितनी सुंदर लग रही है। ये ब्लू स्काई, ये क्लाउडी स्काई। ये है पूरा धनकर विलेज एंड मॉनेस्ट्री भी दिख रही है यहाँ से। एंड ये देखो वैली व्यू, रिवर, माउंटेन्स। ये मैं पहुंच चुकी हूँ धनकर मॉनेस्ट्री में। इसका एक गेट है, काफी सुंदर लग रहा है ये। एंड बाहर पूरे प्रेइंग फ्लैग्स भी लगे हुए हैं, तो अंदर चलते हैं। और धनकर मॉनेस्ट्री भी 1000 ईयर्स पुरानी मॉनेस्ट्री है और ये क्लिफ पे बनी हुई है, तो ये काफ़ी सुंदर लगती है। इसको जब हम दूर से भी देखते हैं तो भी बहुत सुंदर लगती है। एंड यहाँ से जो व्यूज़ दिखते हैं, पूरा टाउन दिखता है, रिवर, माउंटेन्स, काफ़ी सुंदर व्यूज़ दिखते हैं यहाँ से। और जैसा कि हम हर मॉनेस्ट्री में देखते हैं, हमेशा ये प्रेइंग फ्लैग्स होते हैं जो कि हवा में उड़ते रहते हैं एंड अपने ब्लेसिंग्स एयर के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। मैंने इन प्रेइंग फ्लैग्स का सिग्निफिकेंस अपने एक थाईलैंड वाले व्लॉग में बताया हुआ है, आप वो ज़रूर देखना। तो ये काफ़ी सुंदर लगती है एंड बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट है यहाँ का। मॉनेस्ट्री के अंदर भी काफ़ी पीसफुल है एंड एज वेल एज़ बाहर का जो एरिया देखने को मिलता है, व्यूज़ देखने को मिलते हैं, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। अभी हम मॉनेस्ट्री से निकल के जा रहे हैं लेक के लिए एंड मैंने चेंज कर लिया है जीन्स और टी शर्ट, क्योंकि लेक में ट्रैकिंग करनी होगी तो मैं स्कर्ट पहन के तो कर नहीं पाती ऑब्वियसली, तो मैंने अपने ट्रैकिंग वाले कपड़े पहन लिए। जैकेट भी लेके जाऊंगी साथ में। थोड़ा सा धूप तो हो रही है बट ऊपर है तो टेम्परेचर तो डाउन होगा ही और हवा भी चलेगी काफ़ी ज़्यादा। तो बस अभी रास्ते में है, हमें एक जगह पर गाड़ी पार्क करनी होगी एंड वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। तो अभी ट्रैकिंग करते करते थोड़ा ऊपर तक तो आए हैं, फिर अभी और काफ़ी ऊपर जाना है। हेक्टिक है ये बहुत ज़्यादा, तो अगर आप इतनी ट्रैकिंग कर सकते हो तो, बट आई थिंक वर्थ तो होगा बिकॉज धनकर लेक मैंने देखा है वीडियोस वगैरह में, बहुत ही सुंदर है। ऐसे रुकते रुकते बैठ बैठ के चलना पड़ रहा है बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ये ट्रैक, बट ये है कि इतना चला है, थोड़ा सा और जाना है ऊपर, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वापस स्टार्ट करूँगी। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ धनकर लेक, बहुत ही सुंदर लेक है माउंटेन्स के एकदम बीच में। 3 किलोमीटर इसका एक डिफिकल्ट ट्रैक करने के बाद हम इस लेक पे पहुंचे। काफ़ी सुंदर लेक है ये और साइड में ये गोम्पा भी बना हुआ है, एक गोम्पा नहीं स्टूपा, एक्चुअली गोम्पा अलग होता है।
दिस लेक, ऐसे में सोचना कि ट्रैकिंग करनी पड़ेगी तो कैसा होगा कैसा नहीं होगा. डिफिकल्ट है ट्रैक बट अच्छा लगेगा यहाँ पे आके. ऑलमोस्ट नीचे पहुंच गए हम, जैसे आपको वहाँ रोड दिख रही होगी. उतरते टाइम ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 20-25 मिनट्स ही लगते हैं, बट जाते टाइम हमें ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग गए थे. तो बस हम पहुँचने वाले हैं. वो उतरते टाइम इतनी थकान भी नहीं होती है बिकॉज ढलान ही होती है तो थकते नहीं है इतना. बोलते बोलते ज़्यादा थक रही हूँ मैं बट ठीक है. सो इस वीडियो के लिए इतना ही. आगे की जर्नी मैं कवर करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया है तो. थैंक यू सो मच.